Hi, good morning. Today is day three and we have already packed up and we are very late for the checkout. हम checkout के लिए बहुत ज़्यादा late हो चुके हैं already. और अभी time हो रहा है 12:10 और अब हम निकल रहे हैं कार्तिक को मिलने के लिए धर्मशाला. कार्तिक हमारे मेरे साले साहब हैं और निधि के भाई साहब हैं. और we have two guests है ना, यहाँ पर हमें दो बहुत अच्छे host मिले जो अभी goodbye कर, like see this is shadow, hi shadow woof woof, where is ginger is under the bed, ginger चलो आओ ginger, कहाँ है ginger, वो देखो वो ginger चलो come, आओ ginger come जा रहे हम ginger. अंगड़ाइया. सो गुड बाय टू दिस लवली एंड ब्यूटीफुल प्लेस. वी आर गोइंग टू मिस दिस प्लेस अ लॉट बट आई एम गोइंग टू मिस माय बडीज. अरे ऐसे नहीं ऐसे. हाँ जी आप कहानी बता रहे जो पापा ने बताई. नॉर्मली जैसे मेरे से बात करते हैं तो सामने देख रहा हूँ. मैं तो ये देख रही हूँ इतने सुंदर लग रहे हैं. ओह माय गॉड, ओह माय गॉड. तो हम लोग कहाँ पे पहुँच चुके हैं अभी. अभी हम जा रहे हैं नदी कार्तिक ब्रो से मिलने के लिए क्योंकि निधि राखी पे जा नहीं पाई थी बिकॉज पंजाब में काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो गए तो निधि की जो ट्रेन थी वो अम्बाला में जाके कैंसिल हो गई थी. निधि ने अभी एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई है. निधि ओके तो स्टोरी ये है कि जो ईस्टर्न साइड है तो जब गुरु नानक जी वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे ना लोग बड़े परेशान होते थे क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कभी भी अर्थक्वेक आ जाता था कभी भी कुछ भी हो सकता है वहाँ पे है ना. तो वहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं होता था. अच्छा. तो उन्होंने जैसे ही गुरु नानक जी वहाँ पे गए उन्होंने उनकी परेशानी पूछी कि तुम लोग क्यों परेशान हो. तो क्योंकि गुरु नानक जी ने तो पूरी पृथ्वी का भ्रमण पैर चल के करा हुआ है. तो उन्होंने क्या करा था अपने झोले में जैसे हाथ डाला एक मुट्ठी चावल निकाला और उन्होंने ऐसे एक जमीन के ऊपर ऐसे डाल दिया था. और वो दिन है और आज का दिन है वहाँ पर हर साल चावल उगता है दो बार उगता है कटता भी है और आज तक कभी भी वो उस जमीन में बीज नहीं बोया गया. वही जो चावल के दाने गुरु नानक जी ने फेंके थे उसी से वो अनाज उगता है और वही कटता है फिर उगता है फिर कटता है. दिस इज द स्टोरी. एंड एक और ये है कि एक बार जंगल में गुरु नानक जी और उनके साथ जो उनके सेवक गए थे तो वो ना एक उंगली राक्षस के नाम से एक बंदा वहां पर बहुत वो करता था. वो क्या करता था कोई भी अगर उसके जंगल से जाता था तो उसको मार देता था और हाँ उसकी उंगली काट के अपने गले में टांग लेता था कि मैंने कितने लोगों को अब तक मारा है. ये तो गौतम बुद्धा की थी. नहीं ये उनकी भी थी गुरु नानक जी की भी थी. गौतम बुद्धा ने उसको बुद्धा दूसरा वो उन्होंने उसको बोला था कि अपने परिवार के पास जा और पूछ कि जो तूने जुल्म करे हैं अगर उसका कोई भी अपने सिर पे इल्जाम लेगा तो तू मुझे मार देना आके मैं यहीं पे बैठा हूँ. तो वो गौतम बुद्ध जब घर जाते हैं तो बुद्धा पूछते हैं कि मैं इतने मतलब मर्डर करके मैं तुम्हारे लिए मैं लोगों को मार के तुम्हारे लिए कहीं से खाना लेके आता हूँ चाहे मैं जो भी करता हूँ क्या तुम उसका इल्जाम अपने सर पे लोगे. तो उसकी माँ ने बोल दिया था कि तू मेरा बेटा है तेरा फर्ज बनता है मुझे मेरा पेट पालना तो तेरे कर्मों का इल्जाम मैं अपने सर पे कैसे ले सकती हूँ. उन्होंने मना कर दिया उनके हस्बैंड उनकी वाइफ ने भी मना कर दिया. तब उनको गौतम बुद्धा हाँ हाँ तब गौतम उनको रियलाइज हुआ कि ही वाज राइट कि जब मैं इतना मतलब वो कुकर्म करके मैं उनका पेट पाल रहा हूँ उनके लिए सब कुछ कर रहा हूँ अगर वो मेरे वो खुशी नहीं है तो हाँ अगर वो मेरे इल्जाम नहीं ले सकते अपने सर के ऊपर तो फिर ये मेरे लिए सही नहीं है. मतलब काम कुछ ऐसा करो जो पूछते यार हाँ, पूछतो को ही तो फिर गौतम बुद्ध की शरण में आ गए थे वो और वो मॉन्क बन गए थे. और दूसरी वाली कहानी गुरु नानक जी का ये था कि वो जो जंगल में था वो क्या करता था कि वो बहुत पहाड़ी की चोटी पे था राक्षस वो ना ऊपर से पत्थर फेंकता था नीचे. अच्छा हाँ वो पत्थर फेंकता था नीचे और
जो भी था होता था नीचे वो मर जाता था। अच्छा। तो फिर गुरु नानक जी ने ना पहले अपने दास को भेजा जो उनके साथ थे कि जा उससे पानी लेके, मतलब मुझे प्यास लगी जब पानी लेके। वो कहते मैं नहीं ले जाऊंगा, वो तो बहुत खूंखार राक्षस है, वो तो मुझे खा जाएगा। गुरु नानक जी ने बोला नहीं तू जा, ठीक है। तो वो पानी लेने के लिए गए है ना कैसे भी करके। उन्होंने वो राक्षस के पास पहुंचे, उनको कहा मैंने मुझे ना एक पानी दे दो थोड़ा सा। उसने कहा तुझे पता नहीं मैं खूंखार राक्षस हूँ, मेरे से इतने लोग डरते हैं, तू मेरे से पानी मांगने आए? तो उन्होंने कहा मेरे ना ऐसे ऐसे गुरु हैं, गुरु नानक देव जी, वो नीचे बैठे हुए, उन्होंने मुझे भेजा पानी लेने के लिए। और कहते कौन है इतना विद्वान, कौन आ गया जो मतलब मेरे एरिया में आके मेरे को ऐसे कर रहा है? उन्होंने ना पत्थर फेंका ऊपर से, उन्होंने जैसे ही पत्थर फेंका गुरु नानक जी ने ऐसे कर दिया, पत्थर वहीं का वहीं रुक गया, वो पत्थर नीचे नहीं आया। आज तक वो पत्थर कभी नीचे नहीं आया, वो वहीं के वहीं रुका हुआ है। तब उन्होंने वो आए, उन्होंने कहा कि आपने ये कैसे करा? तो तब जो गुरु नानक जी की आंखों में तेज देखा था उन्होंने, तो वो खुश हो गए थे। तो उसके बाद से उन्होंने वो लोगों को वहां से तंग करना, परेशान करना सब छोड़ दिया। सब कार्तिक ब्रो के पास आ चुके हैं, लौट के पार्टी करने की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी कार्तिक आता है, या मॉर्निंग में निकलने से पहले आप लोगों को यहाँ का सराउंडिंग्स भी दिखाएंगे, क्योंकि आते हुए हम थोड़ा सा लेट हो गए थे और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा हेक्टिक जर्नी हो गई थी आज की। वी वर एक्सट्रीमली टायर्ड और डे 4 और हम हैं अभी नड्डी के अंदर। ये हमारे कार्तिक से हाय। हेलो, हाय। ये पार्किंग लोकेशन है, ये सनसेट व्यू पॉइंट है। सॉरी आगे पेड़ आ रहे हैं। तो नदी से जब हम नीचे उतरते हैं तो हमारे पास एक बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू आता है, वो है डल लेक का। ये सारा का सारा डल लेक का एरिया है। ये ऑटो फोकस में कहाँ जा रहा है देखिए, फोकस